नमस्कार, मैं उमेश कुमार, दिल्ली ब्यूरो प्रमुख मोजो पत्रकार। अभी चंद रोज पूर्व आदेश पॉजिटिव मीडिया द्वारा चंद सवाल पत्रकारों से संबंधित थे, जिसमें पत्रकारों की पेंशन बीमा व मान्यता से संबंधित उठाए गए। अब सवाल यह उठता है कि क्यों ना ये सुविधाएं पत्रकारों को दी जाए, जब प्रत्येक सेक्टर में बीमा मान्यता पेंशन का प्रावधान है, तो क्यों ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले इस पेशे को भी इन सुविधाओं की दरकार है, और क्यों नहीं यह सुविधाएं इस पेशे के अंतर्गत आने वाले लोगों को दी जाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह दी जाए तो किस आधार पर दी जाए। आधार इसमें ही होना चाहिए, जो भी सक्रिय पत्रकार हैं, जो भी मानव सेवा, जन सेवा, जो कि पत्रकार का प्रथम उद्देश्य होता है, उसको ध्येय मानते हुए कार्य कर रहे हैं, उन सभी को उनकी योग्यता मानते हुए, उनकी यह योग्यता मानते हुए इन सुविधाओं को निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए। अब बात रही यहाँ मान्यता की। मान्यता कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि अब यह सब चीज़ें इतनी लोगों के सामने खुलकर आ चुकी हैं कि लोग भी जानते हैं कि मान्यताओं का सच क्या है, किस आधार पर मान्यताएं मिल जाती हैं या लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी यह हो गया है कि आपकी कार्यशैली क्या है, और उस कार्यशैली पर खरा उतरते हुए आपको सुविधाओं की दरकार है, और आपको वह सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जिसमें प्रमुख रूप से मासिक भत्ता, जीवन बीमा, और यदि कोई अनहोनी आपके साथ कभी हो जाती है पेशे के दौरान, तो उस दौरान एक लमसम राशि भी सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। और इसमें कुछ विशेष नहीं है, ये सब प्रावधान सब लोगों के लिए है, और मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के लिए भी किए जाने चाहिए। कहाँ एक तरफ पत्रकारों को क्रीमी लेयर में रखा जाता है, परंतु जब बात इस स्तर पर आती है तो वह क्रीमी लेयर कहाँ गायब हो जाता है, वह आप सबको मालूम है। तो विशेष तौर पर इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है कि पत्रकारों को जीवन बीमा की, पेंशन की सुविधाएँ तो कम से कम दी जाए, और हो सके तो धनराशि का भी प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।